गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 6 और आज मैं उठ गई हूँ जल्दी। तो आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी है इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई। तो गाइस, आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइस, मुँह धोने के बाद तो सबसे पहले तो मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि अगर मैं सुबह चाय ना पीऊँ तो मेरा मन पता नहीं कैसा अजीब सा हो जाता है। तो गाइस, जब तक मेरी चाय पक रही है तब तक मैं अपने ब्रेड सेक लूँगी। तो गाइस, मैं खाली ऐसे ब्रेड नहीं खाती, अच्छे से उसमें घी या रिफाइंड लगा के सेक के तब खाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस, सुबह चाय ब्रेड तो ज़रूरी, मुझे खाना है तो खाना है, बस हमारा सुबह का नाश्ता यही हो जाता है। तो चलते हैं गाइस कमरे में। तो यहाँ बैठी हमारी माही। तो गाइस, मेरी माही मेरे साथ ही बैठ के चाय पीती है रोज़ सुबह, और उसे भी बहुत पसंद है चाय ब्रेड खाना। माही, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमारे माही चाय ब्रेड खा रहा है, चाय ब्रेड खा रहा है। गाइस देख लो, मेरी माही चाय ब्रेड कैसे खाती है। गाइस, आप लोगों को और एक चीज दिखाती हूँ मैं। रुको जरा, सबर करो। तो देखो गाइस, इनका सोने का स्टाइल, ये कैसे तकिया लेके सोते हैं। तो गाइस, आप लोगों को देख के हंसी तो आ रही होगी। तो गाइस, ये तो रोज का ही है, मुझे तो तकिया ही नहीं मिलता सोने के लिए, सारा तो मैं बगैर तकिया के सोने पड़ता है, मुझे सारा तकिया यही ले लेती हूँ। तो गाइस, चाय पीने के बाद मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है, तब तक मैं धो लूँगी बर्तन। हमारे बर्तन भी धुल गए और दाल भी छौंक ली मैंने। तो देखो गाइस, कितना अच्छा कलर आया दाल का। तो अब मैं घर समेट लूँगी। गाइस, ये रहा मेरा ब्लॉगिंग स्टैंड, जो कि मेरे मोबाइल से कनेक्ट ही नहीं होता, मुझे ऐसी वीडियो बनाना पड़ता है बार बार, हाथ से रोक रोक के।
ये पहले वाले फ़ोन से कनेक्ट हो जाता था, बट ये वाले फ़ोन से ये कनेक्ट ही नहीं होता। मैंने बहुत बार कोशिश करके देख लिया गाइस, मैंने नहा लिया और नहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस शाम को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महोत्सव होता है मटकी फोड़ का मंदिर के यहाँ पे, तो शाम को होगा वो और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कैसा होता है। हमें तो बहुत मज़ा आता है, हर साल होता है हमारे यहाँ पे। तो ओके गाइस, तो गाइस मैं दिन में सो रही थी और मेरी नींद पूरी हो चुकी है, और मैंने उठ के देखा तो मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है पूरा। तो देखो गाइस मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है पूरा, बारिश बारिश का। तो देखो गाइस कितनी गंदी बारिश आने लगी। मुझे लगता नहीं कि मैं मार्केट जा पाऊँगी, और मुझे मार्केट से सामान लाना था, मुझे मेरी माही को कान्हा जी बनाना है। क्या करूँ गाइस, बारिश इतनी गंदी बारिश हो रही है, तगड़ी बारिश हो रही है जन्माष्टमी के दिन, और इस बारिश ने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया। अब मैं मार्केट भी नहीं जा पाऊँगी लग रहा है मुझे। तो हे गाइस, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और मैं अपनी माई को शाम को खाना बनाने के लिए क्या क्या लेके आ चुकी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहला तो है ये बांसुरी, और ये प्यारा सा मोर पंख, और ये प्यारी सी ताज जो कि माई के सर पे लगेगा, और ये इतना प्यारा सा मोतियों का माला, इसको डबल त्रिपल फोल्ड करके भी पहना सकते हैं बच्चे को, और ये क्यूट सी काना वाली ड्रेस। तो गाइस ये सब मैं लेके आ चुकी हूँ, और मेरी माही को शाम को मैं जब रेडी करूँगी, रेडी करने के बाद आप सुनती हूँ। तो देखो गाइस हमारी माही का फाइनल लुक। तो गाइस हमारी माहू काना के लुक में कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। कितनी प्यारी लग रही है हमारी माही, हमारी माही को किसी की नज़र ना लगे। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के पास पार्क में। अभी बजे हैं रात के 11:30 और यहाँ मटकी फोड़ने की रस्म चालू है। तो गाइस पहले की जैसी यहाँ सजावट नहीं हुई, पिछले साल इतना अच्छा हुआ था सब चीज़, गुब्बारे वगैरह लगे थे, डीजे लाइट सब लगे थे, इस बार नॉर्मली हो रहा है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सब ख़त्म हो चुका है और हम घर पे आ गए हैं, और हमें तो बहुत मज़ा आया लेकिन पहले से कम आया, क्योंकि इस बार ना सजावट हुई, ना डीजे लगा, ना कुछ लगा। इस बार बारिश की वजह से पूरा नॉर्मल एकदम सब कुछ हुआ है, फिर भी अच्छा लगा गाइस। तो ओके गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था, अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।